हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लकी जेट गेम की। इसमें मैंने काफी ज्यादा अर्न भी कर लिया है, मैं आपको इसका लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में भी यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई आप इस गेम से कितने ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। तो मैं चलिए आपको बता दूं, मैं यहाँ पर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता हूँ जो कि मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं ज्यादा खेलता ही नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि खेलने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, इसी के साथ में जो माइंड है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अर्न कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसमें लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा मैंने यहाँ पर कितना अर्न किया है। इसी के साथ में मेरा जो पैसा है मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर विथड्रॉ करना है। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसी के साथ में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, काफी लोगों ने मेरे पास ये कमेंट किए थे कि भाई जो हमारा लॉस है वो काफी ज्यादा हो चुका है, इसे हम किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से हम जीत सकते हैं और जीते हुए पैसे अपने बैंक अकाउंट में किस तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी ये काफी देर तक यहाँ पर ये ऊपर की तरफ उड़ते ही जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 300, 400, 700, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी देर तक यहाँ पर ये उड़ा है। ये गेम है, कोई भी इसे व्यक्ति हैंडल नहीं करता है, ये सिर्फ एल्गोरिथम सिस्टम पर ही काम करता है, ठीक है। यानी कि इसे एल्गोरिथम ही इस गेम को चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आखिर किस समय जो गेम है ज्यादा देर तक ऊपर की तरफ उड़ता है जो, ठीक है। और उड़ने से पहले एकदम, ठीक है, तो वो आपको जो अर्न है वो तो आपको निकालनी ही होती है, ये तो सबको आपको पता ही होगा। पर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आखिर ये कितनी देर तक उड़ रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं जब ज़्यादा देर तक उड़ेगा तभी जो आपकी अर्निंग है वो ज़्यादा अधिक होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा अंदाज़ा लगाना है, ठीक है, कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब ये लगभग यहाँ पर उड़ा है तो ये फिर से अभी ये ज़्यादा देर नहीं उड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अब भाई यहाँ पर ये उड़ रहा है, मैं होता अभी मैं यहाँ पर पैसे निकाल लेता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, अगर आप ज्यादा देर तक यहाँ पर सोचोगे तो कहने का मतलब है आप यहाँ पर ज्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कम देर उड़ेगा तो ये है कि आपकी अर्निंग है वो कम होगी, पर आपको लगे कि हाँ इस बार काफी देर तक उड़ेगा, ठीक है, तब आपको यहाँ पर कुछ समय तक रुकना है, उसके बाद में आपको पैसे को विथड्रॉ कर लेना है। जैसे कि अब 2 हो गए, 3 पर मैं यहाँ पर पैसे को निकाल लेता हूँ इस बार, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 पर निकालने की कोशिश कर रहा था पर ये देर तक उड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये देर तक उड़ेगा, ठीक है, तब आप यहाँ पर पैसे को इसमें रहने दें। और आप जानते हैं कि जैसे ही आपका 1 हो जाता है तो उसका डबल हो जाता है, ठीक है, जो आपकी अमाउंट है, और उसके जैसे ही डबल होता है तो उसके आपके 4 गुना इसमें पैसे हो जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप यहाँ पर बिड वगैरह तो जानते हैं किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से नहीं लगाना है, ठीक है। मैंने आज ही इसमें पैसा है वो यहाँ पर विड्रॉ किया है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरा अभी जो बैलेंस है वो यहाँ पर 0 हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली 3 लाइन पर सिंपली क्लिक करता हूँ और मैं अपनी प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो बैलेंस है मेरा यहाँ पर 0 है। और अगर आपका पैसा है और आप विड्रॉ किस तरीके से कर सकते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन मिल गया है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है IMPS, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर IMPS वॉलेट नंबर, यानी कि जो आपका बैंक खाते में आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, अपना यहाँ पर नेम डालना है, ठीक है, जो कि खाते से, जो खाते में आपका नेम चल गया है बैंक में वही नेम आपको यहाँ पर डालना है, उसी के साथ में IMPS बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है जो आपके खाता होता है वही आपको यहाँ पर नंबर डालना होता है, इसी के साथ में IFSC कोड, और इसी के साथ में आपको यहाँ पर पैसे डालकर आपको कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देना होता है। कंटिन्यू पर आप जैसे ही सिंपली क्लिक करते हैं जो आपकी मेल है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको डालकर यहाँ पर सबमिट कर देना है और आपकी जो पेमेंट है यहाँ से विड्रॉ के लिए लग जाएगी सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद में मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर डिटेल्स पर सिंपली क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर $210 आज ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन किए थे, यानी कि 28 तारीख
और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज भी 28 नवंबर ही है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं मैंने पिछले सप्ते $450 किए थे जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किए थे 21 नवंबर के लिए, ठीक है। और 14 नवंबर को भी मैंने यहाँ पर $232 किए हैं और मैंने यहाँ पर 7 नवंबर को भी यहाँ पर $155 किए हैं। तो कहने का मतलब है मेरी जो इसमें कमाई है वो आप यहाँ पर डॉलर में है और आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं क्योंकि मैं जो गेम खेलता हूँ वो डॉलर में ही खेलता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जब तक अगर आप यहाँ पर 100-200 रुपए ऐड कर रहे हैं तो और आपको यहाँ पर गेम समझ में आ पाता है तभी तक आपके जो पैसे हैं वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, आपको बड़ी अमाउंट यहाँ पर ऐड करना है और जब आप बड़ी अमाउंट करेंगे तो आपको एक बार यहाँ पर हार जाएंगे, ठीक है, दो बार हार जाएंगे तो आप यहाँ पर जीत ही जाएंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो पैसा है वो सिर्फ पैसे में को ही भाजता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मैं चलिए आपको यहाँ पर आज का ट्रांजेक्शन है वो मैं आपको अपना बैंक अकाउंट में दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं 210.52 पैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कट करता हूँ 210.52, देख सकते हैं 17,543 रुपए हो रहे हैं आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में चलिए अपने यहां पर SBI योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं और आपको यहां पर ट्रांजैक्शन दिखा देता हूं। तो मैंने यहां पर अपनी SBI योनो एप्लीकेशन ओपन कर ली है, मैं अकाउंट पर सिंपली क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, उसके बाद मैं इस आइकन पर सिंपली क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद मैं ट्रांजैक्शन पर सिंपली क्लिक करता हूं तो आप यहां पर देख पा रहे हैं जो अमाउंट है वो मेरी यहां पर आपको देखने को मिल ही रही है, ठीक है। इसी के साथ में आप ये भी देख पा रहे हैं किसके थ्रू यहां पर ये पेमेंट आया है जो कि आप यहां पर ये देख पा रहे हैं IMPS के माध्यम से यहां पर ये पेमेंट आया है और आप यहां पर जो मेरी पेमेंट है वो आप यहां पर देख सकते हैं, यानी कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो आप यहां पर मेरा कंप्लीट ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। काफी लोग कहते हैं कि भाई आपने वीडियो तो बना दी पर आपने यहां पर दिखाया नहीं कि किस तरीके से यहाँ पर ये पैसा है आपके बैंक अकाउंट में गया है कि नहीं गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 28 नवंबर 2023 और इसी के साथ में आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन भी देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में सीधी सी मैं आपको बात बता दूं, जैसे कि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन नीचे वाला दूसरा जो ट्रांजेक्शन है ये भी यहाँ पर एक गेम का ही है, ठीक है, पर ये गेम का ट्रांजेक्शन है। काफी लोगों ने मेरे पास यहाँ पर ये कमेंट किए थे कि भाई हमारा जो पैसा है वो ट्रांजेक्शन नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो उनकी आईडी पर मैंने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लगाया था और उसके बाद में मैंने यहाँ पर पैसे को ट्रांसफर किया था, ठीक है। तो उनके पैसे आ गए हैं, अब उनके पैसे मैंने अपने अकाउंट से यहाँ पर पे कर दिए थे, ठीक है। कोई भी रिप्लाई चाहते हैं तो अगर आपने मेरे चैनल की ज्वाइन मेंबरशिप नहीं लिया तो प्लीज चैनल की ज्वाइन मेंबरशिप ले लीजिएगा, वहां पर आपको ज्यादा पैसे देने नहीं होंगे, बस आपको 30-35 ही रुपए देने होंगे, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप फिर मुझे कोई भी कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा क्योंकि वो कमेंट है वो ऊपर में ही मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ में आप मुझसे वीडियो कॉल भी बात कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आईडी है मेरी टेक्निकल प्रेम शंकर नाम से, ठीक है। और इसके बावजूद भी कोई भी आपका सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।